बीजेपी पर पलटवार करने का मौका मिल गया। अयोध्या मामले पर मध्यस्थता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इस रिपोर्ट को अभी उजागर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। जिस पर आरएसएस ने उम्मीद जताई कि अब फैसले में और देरी नहीं होगी। सारे जज चाहते फैसला हो, पर चंद जजों के कारण जस्टिस डिलेड से जस्टिस डिनायल की तरफ जा रहा है। वहीं अयोध्या मामले में पक्षकार हिंदू महासभा ने दावा किया कि राम मंदिर पर सुनवाई सही दिशा में है। कोर्ट इस बात को समझ चुका है कि भावना का विषय है। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने में ये मार्ग सही रास्ते पे जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अयोध्या विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सबसे बड़ी भूल हुई जो कांग्रेस ने बहुसंख्यकों के साथ देश में धोखा दिया, अब सब्र की सीमा टूट रहा। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर ही देरी का ठीकरा फोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, शोषण कर रही है, और वो नहीं चाहते हैं कि इस मसले का हल हो। अयोध्या पर कानूनी दांवपेच और राजनीति के बीच साधु संतों ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। इसके बाद अब डिले हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यदि सर्वोच्च न्यायालय से अगर नहीं काम बनता तो ऑर्डिनेंस ले आकर के और राम मंदिर का निर्माण हो। सौभाग्य की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी को 31 जुलाई तक सभी दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। हालांकि हिंदू पक्ष को मध्यस्थता से कुछ हासिल होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले की रोजाना सुनवाई पर आदेश जारी कर सकती है। ब्राजील के एक इलाके में पड़ोसी के तेज आवाज में गाना बजाने पर एक आदमी का गुस्सा इतना भड़क गया कि उसने अपने पड़ोसी के मकान पर ड्रोन से हमला बोल दिया। उसने ड्रोन से पड़ोसी के मकान पर पटाखे छोड़ दिए। कई रॉकेट तो आदमी ने पड़ोसी के मकान के अंदर दागे। इस दौरान वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। ड्रोन उड़ा रहे आदमी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। लोगों के पीछे ड्रोन उड़ाकर भी उसने रॉकेट दागे। बाद में ड्रोन से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरुण मान उर्फ मन्नू नाम के हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अरुण मान अब तक दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी समेत कई बड़ी गैंग को हथियार सप्लाई कर चुका है। बताया गया कि अरुण मान के दिल्ली में सक्रिय कई गैंग से ताल्लुकात है। अरुण अपने धंधे को और फैलाने के लिए नेपाल जाने वाला था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने इसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। अरुण के पास से 23 जिंदा कारतूस और 6 पिस्टल बरामद हुई है। सिद्धरमैया ने बागी विधायकों के मुद्दे पर संविधान का नया पेज फंसा दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया कि विधायक दल का नेता होने के नाते उनसे व्हिप जारी करने का हक क्यों छीना गया। सिद्धरमैया ने इसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी व्यवस्था का सवाल बताया। इसी दौरान उनकी जबान फिसल गई। आई एम द लीडर ऑफ द अपोजिशन, कांग्रेस। उन्होंने खुद को विपक्ष का नेता कहा तो बीजेपी के विधायकों ने मेज थपथपाना शुरू कर दिया। हालांकि सिद्धरमैया ने अपनी गलती सुधार ली। उन्होंने कांग्रेस के बागी विधायकों के सामूहिक इस्तीफे को दल बदल